दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स बच्चे की गर्भनाल को सुरक्षित रखने की सलाह क्यों देते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि आपके कान में जमी हुई मैल असल में आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि मूवीज में कार ब्लास्ट के सीन्स को शूट कैसे किया जाता है? अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं ऐसी ही कुछ कमाल की चीजों के बारे में, तो दे मुझे बस अपने अगले 10 मिनट, वादा करता हूँ आप पछताएंगे नहीं। तो बिना जाया किए आपका कीमती वक्त, शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factify, facts on your face. Fact number one, दोस्तों, एक्शन फिल्मों में कार्स के चेस सीक्वेंसेस और एक के बाद एक हवा में उड़कर इनका ब्लास्ट होना हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। बोले तो बिना इन रोहित शेट्टी टाइप सीन्स के एक्शन फिल्मों में मजा ही नहीं आता। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में ये कार ब्लास्ट सीन शूट कैसे होते हैं? क्या इसके लिए असली कारों को ही बम से उड़ा दिया जाता है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं कि नहीं, ऐसे ही लाखों करोड़ों की गाड़ियों को बम धमाकों से उड़ा देंगे तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स कमाएंगे क्या? डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर इसके लिए एक खास क्रोमा पर सेटअप तैयार करते हैं और असली कार्स की जगह टॉय कार्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर टेबल पर ढेर सारा पाउडर बिछाकर एक ट्रैक तैयार किया जाता है, जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर सीन शूट करने से पहले हर कार को मार्क भी कर देता है ताकि एडिटिंग में आसानी हो सके, और फिर कार्स पर ग्लू लगाकर उन्हें जला दिया जाता है। और इसके बाद एडिटिंग के समय VFX का इस्तेमाल करके क्रोमा पर शूट हुए इन शॉट्स को रियल कार ब्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा करके फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स असली कार को ब्लास्ट करने में लगने वाला ढेर सारा पैसा तो बचाते ही हैं, वहीं किसी भी तरह की दुर्घटना को भी टाल देते हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों, कान में जमी वैक्स को देखकर हमें अक्सर घिन आती है और हम ईयरबड्स, चाबी या फिर किसी ऐसी ही चीज से अपने कान साफ करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कान में जमी ये मैल आपके बड़े काम की है और ये आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है, तो आप क्या यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, ये सच है। आपने गौर किया होगा तो जानते होंगे कि हमारे कान के बाहरी हिस्से की नली में एक तेल बनता है जो हमारे कान के इस हिस्से को हमेशा नम रखता है। कुदरत के इस खास बंदोबस्त के पीछे की वजह ये है कि कान के पर्दे से पहले मौजूद ये नम हिस्सा बाहर से एंटर करने वाली धूल, मिट्टी और दूसरे पार्टिकल्स को कान के पर्दे तक पहुंचने से रोक देता है, और इन्हीं अनवांटेड चीजों और तेल के मिलने से वो जाना पहचाना कान का वैक्स बनता है। अब दोस्तों, ये वैक्स भी बड़े काम की चीज होती है। सन 1980 में अमेरिका की और 2011 में जर्मनी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि ये वैक्स कई तरह के कीटाणुओं और बैक्टीरिया को मारने का काम करती है और कान में इन्फेक्शन होने से रोकती है। लेकिन हाँ, इसके कान में भर जाने पर इसकी सफाई करवाना भी जरूरी है, लेकिन वो घर पे ईयरबड से नहीं, एक ट्रेंड ENT डॉक्टर से ही करवाएं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों, महिलाएं 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती हैं, और इन 9 महीनों में माँ जो भी खाती है वो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के जरिए ही बच्चे तक भी पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद यहाँ पहले इस गर्भनाल को काटकर फेंक देते थे, वहीं अब डॉक्टर्स इसे सुरक्षित रखने की सलाह देते हैं। और वो इसलिए कि मेडिकल साइंस की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसी प्लेसेंटा के खून में मौजूद कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मास्टर सेल्स कहा जाता है, और उनमें 200 से भी ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। खासतौर पर कैंसर और लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों में ये मास्टर सेल्स तो मानव संजीवनी का काम करते हैं। इसीलिए अब बड़े बड़े अस्पतालों में गर्भनाल को स्टोर करने के लिए प्लेसेंटा बैंक्स बनाए गए हैं, जहां कुछ पैसे देकर आप अपने बच्चों की गर्भनाल को कई 100 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है जो भविष्य में होने वाली बीमारियों से आपके बच्चों या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को बचा सकता है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बिना चोट लगे भी कई बार शरीर पर नील पड़ जाते हैं। बूढ़े लोगों में तो ऐसे नील पड़ना एक आम सी बात है, क्योंकि पूरी उम्र सनलाइट के एक्सपोजर के कारण शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं, और इस कंडीशन को एक्टिनिक परप्यूरा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर नील के निशान बच्चों या फिर जवान व्यक्ति के शरीर पर पड़े तो इसका कारण शरीर में विटामिन सी, जिंक और आयरन की कमी भी हो सकती है। विटामिन सी हमारी त्वचा और रक्त धमनियों को अंदरूनी चोट से बचाता है। ऐसे में शरीर में विटामिन्स की कमी होने पर भी हाथ या पैरों पर नील पड़ जाते हैं। वहीं दोस्तों, जिंक और आयरन शरीर में कहीं चोट लग जाए तो जख्म को भरने में मदद करता है, और अगर शरीर में इन मिनरल्स की कमी हो जाए
तो एनीमिया हो सकता है, जिस कारण भी शरीर पर चोट लगे बिना ही नील पड़ जाते हैं। लाल खून के जमने के बावजूद ये निशान नीले क्यों दिखते हैं, अगर आप फैक्टिफाइड के एपिसोड्स देखते आए हैं तो ये जरूर जानते होंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब आप किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाना जरूरी होता है। बिना वीजा और पासपोर्ट के आपको फ्लाइट में बैठने ही नहीं दिया जाता, यानी कि आपका पासपोर्ट आपकी किसी विदेश यात्रा के दौरान वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर विदेश में घूमने के दौरान आपका बैग चोरी हो जाए या फिर किसी और वजह से आपका पासपोर्ट खो जाए? अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो पहले तो पैनिक ना हो, क्योंकि टेंशन लेने से पासपोर्ट तो वापस आएगा नहीं। करना ये है कि वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपने पासपोर्ट गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएं और फिर इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करें। यहाँ दूतावास में आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास खोए हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट गुम होने की पुलिस रिपोर्ट, टिकट और वीजा की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके ही एम्बेसी में नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाएं। इस सारे प्रोसेस में आमतौर पर एक सप्ताह का समय लगता है, लेकिन इमरजेंसी में एम्बेसी आपको जल्दी भी पासपोर्ट इशू कर सकती है, तो घबराए नहीं बल्कि सही जानकारी रखें। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों चाय और बिस्किट का रिश्ता कुछ ऐसा है कि टूटे नहीं टूटता। आपने भी चाय में डुबोकर खूब बिस्किट खाए होंगे, पर क्या आपने कभी बिस्किट से बने कप में चाय का मजा लिया है? नहीं लिया तो एक बार मदुराई के आरएस पाथी नीलगिरी टी स्टॉल के एडिबल बिस्किट कप में चाय पीकर जरूर देखिएगा। आप अपने महंगे बोन चाइना के टी कप्स को बिल्कुल भूल जाएंगे। दरअसल साल 2019 में सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, जिस वजह से इस टी मैन्युफैक्चरर कंपनी को चाय बेचने के लिए ऐसे कपों की जरूरत पड़ी जो सस्ते भी हों और इको फ्रेंडली भी। अब कूलर तो हुए गए जमाने की बात, इस कंपनी ने थोड़ा हटकर दिमाग लगाया और 2020 में इन्होंने फेमस वेफर कंपनी एडको इंडिया के साथ मिलकर ये कमाल के बिस्किट कप लॉन्च किए, जो देखते ही देखते ऑल इंडिया में मशहूर हो गए। इसीलिए दोस्तों कभी मदुराई जाएं तो इन बिस्किट कप्स में चाय का मजा जरूर लेकर देखें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने गौर किया होगा कि हम जब भी किसी को कॉल करते हैं या फिर जब हमारे पास किसी का फोन आता है तो 10 अंकों के मोबाइल नंबर के आगे ये +91 कोड भी लिखा आता है, जो आप में से कई जानते भी होंगे कि ये इंडिया का फोन कोड है। इंडिया में तो आप सीधे ही 10 अंकों का फोन नंबर मिलाकर किसी से भी बात कर सकते हैं, पर किसी दूसरे देश से इंडिया फोन करने के लिए ये +91 कोड ऐड करना ही पड़ता है। इसी तरह अमेरिका का डायलिंग कोड +1 है और यूके का +44। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया को +91 कोड ही क्यों मिला? दरअसल इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने हर देश की भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर ही ये खास कोड्स इशू किए हैं। दोस्तों वर्ल्ड मैप पर पश्चिम और दक्षिण एशियाई देश जोन 9 में ही आते हैं और इन सभी देशों के कोड +9 से ही शुरू होते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत का कोड +91 है, पाकिस्तान का +92। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों शराब सेहत के लिए हानिकारक भले ही हो, पर शराब के शौकीनों को इससे क्या मतलब? जहां कई लोग अपनी गाड़ी कमाई इन शराब के ठेकों पर उड़ा देते हैं, वहीं सरकार भी लिकर पर भारी टैक्स लगाकर खूब नोट छापती है। ऐसे में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बेवड़ों को अगर फ्री की शराब मिलने लगे और वो भी अनलिमिटेड, तो ये क्या हाल करेंगे? अब दोस्तों अपने यहाँ तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इटली में एक जगह जरूर ऐसी है जहाँ पर वाइन का ही एक फाउंटेन बना हुआ है जिसमें 24 घंटे रेड वाइन पानी की तरह बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है डोरा सार्चीजी, जो इटली के एक छोटे से शहर कालदारी दी ऑर्टाना में है। डोरा सार्चीजी में फोंटाना दी वीनो नाम से एक फाउंटेन है, जिसके नाम का मतलब ही शराब का फव्वारा है, और ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट को 24 घंटे फ्री में वाइन सर्व करता है। आप बस अपना ग्लास यहाँ लगे टैप के नीचे लगाइए और आपको वाइन सर्व हो जाएगी। ये सबके लिए फ्री है, यानी कि जितनी मर्जी हो उतनी पियो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो यहाँ आने वाले सभी लोग टल्ली हो जाते होंगे, तो बता दूं कि इस खास वाइन में दोस्तों नशा नहीं होता। ये तो इस शहर का यहाँ आने वाले लोगों को वेलकम करने का एक तरीका है। कहीं ये सुन के आपका दिल टूट तो नहीं गया? फैक्ट नंबर 9, दोस्तों टीवी शोज और फिल्मों में आपने कई बार CBI और CID को क्राइम के केसेस सॉल्व करते हुए देखा होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि ये दोनों ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करके उन्हें सॉल्व करने का काम करती हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि CBI और CID में क्या फर्क होता है? अगर नहीं तो बता दूं
कि सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि ये सेंटर यानी कि भारत सरकार के अंडर आती है और सिर्फ उन्हीं केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जो केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उन्हें हैंडओवर करती है। वहीं दोस्तों सीआईडी का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये विभाग सिर्फ राज्य से जुड़े केसेस को ही सॉल्व करता है, और वो भी तब जब राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट उन्हें केसेस हैंडओवर करती है। तो कुछ समझे। खैर, अब फैक्टिफाइड के इस सफर में वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है शौर्य गुप्ता जी ने। शौर्य अपने फैक्ट में बताते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर का 69% हिस्सा ग्लेशियर और आइस शीट के रूप में जमा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि नदियां और झीलें ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन मीठे पानी का असली स्टोर हाउस तो हमारे ग्रह पर मौजूद ये ग्लेशियर्स ही हैं। ये पिघलते हैं तो नदियां और झीलें बनती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएं, तो समंदर का पानी 230 फीट तक बढ़ जाएगा और दुनिया को जैसे हम देखते हैं जानते हैं वो वैसी नहीं रहेगी। यानी कि दुनिया के कई बड़े देश और शहर समंदर में डूब जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज रोजाना नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। फिर मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।